एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग। और आज जो ये वीडियो बनाई गई है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में बनाई गई है, बिकॉज CBSE ने अपना सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया है, रिवाइज सिलेबस किया है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। अब बच्चों उन CBSE को दिखाया जो कि सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको लगा है कि एग्जैक्टली जो सिलेबस है CBSE का वो बहुत ज़्यादा है और सेशन जो है वो लेट स्टार्ट हुआ है, तो बच्चे उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने अपना जो सेशन है वो छोटा कर दिया है और सिलेबस को भी थोड़ा सा छोटा किया है। मतलब कि उसने कुछ सब्जेक्ट तो नहीं काटे हैं, बट एग्जैक्टली जो उसके चैप्टर्स हैं वो नहीं काटे हैं, उसमें उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी उसने रिवाइज कर दी है, कुछ कुछ चीज़ें काट दी हैं, कुछ कुछ चीज़ें अलग कर दी हैं ताकि बच्चे को वो कवर ना करनी पड़े। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो सिलेबस चेंज किया है वो चार क्लासेस का किया है, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो इसकी दो वीडियो आने वाली है सेपरेटिव, जिसमें एक वीडियो में 9th और 10th होगा और दूसरी वीडियो में 11th और 12th होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th और 10th वालों की, जिसमें कि हम मैथ्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि मैथ्स में क्या क्या चेंजेस किए हैं। बाकी के जो चेंजेस हैं अगर आपको देखने आए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, आपके लिटरेचर वाले सब्जेक्ट जो हैं उनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। आप उस वेबसाइट पर जाकर अपना पूरा कोर्स देख सकते हैं। जो जो मेन था, मैथ्स मेन होता है, तो मैंने मैथ्स की वीडियो बना दी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और समझ भी सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बिना देरी किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलते रहे और एजुकेशन वीडियोस, एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ एंड मोटिवेशन वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप जैसे ही हमारी नई वीडियो आए वैसे ही आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाए। ठीक है गाइस, तो बिना देरी किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला वो है वो 9th का देखेंगे मैथ्स के बारे में। तो जो आपके सेक्शन बांट दिए गए हैं इसमें कुछ, तो पहले जो नंबर सिस्टम है वो 8 मार्क्स का होने वाला है, अलजेब्रा आपका 17 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स की आने वाली है और ज्योमेट्री जो है वो 28 की होगी, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ज्योमेट्री पर सबसे ज़्यादा फोकस है। मेंसुरेशन जो होगी आपकी 13 मार्क्स की होगी और स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी वो होगी आपकी 10 मार्क्स की। टोटल जो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें से कुछ ये मार्क्स डिवाइड होने वाले हैं। तो हर एक उसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या कुछ किया गया है। तो नंबर सिस्टम में बात करें तो रियल नंबर्स जो आपके आए हुए हैं, तो रियल नंबर्स में वही इंटरमिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर्स, आपके इंटीजर्स और इनके बारे में बात होगी। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं एग्जैक्टली, जो सिलेबस था आपको उसी के बेस पर पढ़ना है। बहुत कम माइनर चेंजेस किए हैं, बस कहने के लिए चेंजेस हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे लाइक कि √2, √3 वाले और कुछ रेशनल टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा और उसकी भी वीडियो बन जाएगी, टेंशन नहीं लीजिए, हमारे चैनल पर आपको सब वीडियोस मिलेगी। ठीक है, तो इसकी बेस पर हम करेंगे। पॉलीमल्स में देखते हैं, पॉलीनोमियल्स में देखते हैं, तो कुछ ऐसे कोफिशिएंट वाले, डिग्री ऑफ पॉलीमल, जीरो पॉलीमल्स, टर्म्स ऑफ पॉलीमल्स, कोफिशिएंट ऑफ पॉलीमल्स और कुछ ये फॉर्मूलेज है जो वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज़ है, उसको करना पड़ेगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, जो लास्ट हम करते हुए आ रहे थे बस वही सब चीज़ें हैं। मेनली जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो 10th में होने वाला है, क्योंकि उनका बोर्ड होता है तो उनको ज़्यादा स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। 9th में भी स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा, बट इतना नहीं कि आप कुछ ज़्यादा ध्यान दें इस चीज़ के बारे में, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ के काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन जो है उसमें बहुत अच्छा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वाला, तो इसमें से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं और उसमें बहुत छोटी ही चीज़ें दे रखी हैं, जैसे लाइक कि रिकॉल ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो कि हम करते हुए आते हैं, और जो AX + BY + C = 0 जो लीनियर इक्वेशन के फोकस होता है। ठीक है, और कुछ ग्राफ लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स में, बस कुछ ज़्यादा नहीं है एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन में। ओके, तो इसके बाद ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री जो आपके 28 मार्क्स की आने वाली है, उसमें आपकी इक्लूटेड ज्योमेट्री जो है, फिर लाइन एंड एंगल्स हैं आपके कुछ, तो जो आप ये कर चुके हैं बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली जो 9th में आने वाले हैं, और हमारे चैनल पर आपको इनकी वीडियोज़ भी मिलेंगी, जो सारे मेथड्स हैं आपको इनकी वीडियोज़ भी जल्दी मिलेंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका सारा सिलेबस कवर होने वाला है, आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए बस। आपको बस इतना करना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है, आपका सारा कोर्स कराने की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद लाइन एंड एंगल्स जो है हम आपके कुछ, और फिर उसके बाद ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स में अगर बात करें तो डायगोनल डिवाइड्स एंड पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स और पैरेललोग्राम, कुछ इस तरह के आने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद एरिया है, तो एरिया एग्जैक्टली क्या है, रिव्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, रिकॉल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वही प्रूव करने के लिए आता है पैरेललोग्राम का, ट्राइंगल्स के कुछ एरिया है। फिर सर्कल आ जाता है आपका, तो इसमें भी कुछ करने पड़ते हैं, प्रूफ्स वाले आएंगे, मोटिवेट एग्जैक्टली, तो कुछ इसी तरह से है।
उसके बाद कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स एज अ सेगमेंट ऑफ द एंगल ऑफ 60 90 45 एटसेट्रा इक्विटेरियल ट्राइंगल्स आते हैं आपके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शंस में आपके ट्राइंगल की वो भी आ सकती है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस सम डिफरेंसेस ऑफ द अदर टू साइड्स एंड वन बेस एंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल। तो कंस्ट्रक्शन आपका इतना मानने वाला है। अगर आपको उसको ध्यान से देखना है एग्जैक्टली सिलेबस तो आप जाकर हमारे लिंक में देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जा सकते हैं। बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड सिलेबस नहीं किया आपका और बहुत ज़्यादा माइनर चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन में एक बार देख लेते हैं, मेंसुरेशन में क्या दिया हुआ है आपका, एरिया एंड सर्फेसिस दे रखे हैं कुछ, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं एरिया एंड सर्फेसिस क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हिरॉन्स फार्मूला, तो हिरॉन्स फार्मूला आपका है अभी भी, इट्स एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम है सर्फेस जिस लाइक क्यूब्स का, क्यूबॉइड्स का, स्फेयर्स का, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स का एंड कोन्स का। तो सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स भी आपका है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या आने वाला है, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा, टैबुलर आने वाला है, अनग्रुप्ड और ग्रुप बार आने वाला है, ग्राफ जो हिस्टोग्राम आने वाला है, ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आने वाले हैं, मीन मीडिया, मीन मीडियन मोड है आपके जो आपके आते रहते हैं, बहुत सिंपल, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है आपका। प्रोबेबिलिटी में देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपके प्रोबेबिलिटी में, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है एग्जैक्टली, लाइफ सिचुएशंस आती हैं आपकी और एक्सपेरिमेंट टू बी ड्रोन फॉर रियल लाइफ सिचुएशन जस्ट लाइक इस तरह की, ग्रुप एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज टू मोटिवेट द कॉन्सेप्ट, तो इस तरह की कुछ चीज़ें आने वाली है। तो नाइन्थ का जो सिलेबस था वो कुछ इस तरह था। अब जो बात करते हैं टेंथ की बात करते हैं, जो कि आपका बोर्ड है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इस चीज के लिए, टेंथ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। और गाइस हाँ, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो भी मतलब आपके दोस्त हैं, आप उनमें शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चल जाए क्या क्या चेंजेस हैं एग्जैक्टली, और वो भी इससे अवेयर हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो और अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी। तो क्योंकि एकेडमिक ईयर थोड़ा लेट है, इसी वजह से इन्होंने सिलेबस भी रिवाइज कर दिया, छोटा कर दिया, बट बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया, मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इन्होंने बिल्कुल चैप्टर काट दिया, चैप्टर कोई भी नहीं कटा है, बस थोड़े थोड़े से माइनर चेंजेस किए गए चैप्टर्स के अंदर, तो बस वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी नंबर सिस्टम जो आपका बोर्ड में वो आने वाला है 6 मार्क्स का, अलजेब्रा आने वाले 20 मार्क्स की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी आपकी 6 मार्क्स की, ज्योमेट्री होगी 15 मार्क्स की, टेक्नोमेट्री यहाँ पर आपकी 12 मार्क्स की होने वाली है। तो टेक्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्नोमेट्री भी करना ज़रूरी है, ओके। मेंसुरेशन होगी आपकी 10 मार्क्स की, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 11 मार्क्स की। तो देख लेते हैं सब कुछ क्या क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली। तो रियल नंबर्स में आपका इक्लूटेड डिवीजन लेमा आएगा, जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। तो अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ती है रेशनल नंबर्स में, इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो भी हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड सिलेबस हो गया, कुछ अलग सिलेबस हो गया, अलग कुछ नहीं हुआ, आपकी बुक सही है और बल्कि कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो ये सब चीज़ें की वीडियो भी जल्दी जल्दी आएगी मैथ्स की भी, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, अच्छे से अपना कवर कर सकते हैं, ओके। उसके बाद एलजेब्रा की बात करते हैं, तो पॉलीनोमियल्स जो है आपका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक, हर बार एक क्वेश्चन आता है इसके बीच से सीबीएसई बोर्ड में, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ओके। तो उसके बाद बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, बहुत अच्छा वाला वो होता है, ओके। तो इससे भी हमेशा ही क्वेश्चन आता है आपका, तो इसमें भी देखते हैं क्या क्या। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसमें एग्जैक्टली आपके सब्सिट्यूशन मेथड आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आते हैं, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स आती हैं, ग्राफिकल मेथड्स आ जाते हैं कुछ आपके, तो इससे भी हमेशा एक क्वेश्चन आता है, बल्कि हर एक मेथड से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सब्सिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता आपका आता है क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन आपका मिलना पक्का ही पक्का है, तो इस वजह से आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी जो इक्वेशन आती है आपकी, ओके, जीरो के बराबर रखने के फैक्टराइजेशन वगैरह, यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला जो आता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेटर एंड नेचर ऑफ रूट्स, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका कुछ एपी आ जाएगा जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, डेरिवेशन ऑफ एन टर्म जो आ सकता है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स आ सकता है, और एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, तो कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ सकती है, ओके। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो लाइन एंड टू डायमेंशन जो है आपकी, तो इसमें कुछ रिव्यू किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ्स इन लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद ज्योमेट्री जो है आपकी, ज्योमेट्री में देख लेते हैं ट्राइंगल जो है आपके, तो एग्जांपल है काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो इनमें कुछ प्रूव कर रखे हैं एग्जैक्टली, जो आपके प्रूव मोटिवेट है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग से तो इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एग्जैक्टली, आपकी बुक में सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ अलग नहीं है जो आपको ना समझ में आए, ओके।
उसके बाद सर्कल्स की बात करता है, सर्कल्स में भी प्रूफ आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, तो उसमें भी आपको सारे बुक्स में सही है, कुछ एग्जैक्टली रिवाइज नहीं किया गया है। कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं, तो डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो इंटरनल जो है टेंजेंट और टू अ सर्कल फॉर अ पॉइंट आउटसाइड इट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। ओके, और जो मेन इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो एग्जैक्टली नाइन्थ में नहीं थी, अब आई है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, तो सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिलेशनशिप बिटवीन द रेशन 0 एंड 90, ये बहुत ज़्यादा आते हैं आपके इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 जो आपकी एप्लीकेशंस आती हैं। उसके बाद हाइट्स एंड डिस्टेंसेज है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि डिप्रेशन शुड बी ऑनली 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री होता है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो इसमें था, मेंसुरेशन में देख लेते हैं। ओके, तो मेंसुरेशन में क्या क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल मतलब जो एरियाज आने वाला है सर्कल्स के लिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ सर्कल्स, प्रॉब्लम बेस्ड एरियाज एंड पैरामीटर्स आ सकते हैं आपके, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर्स इन कैलकुलेटिंग द एरिया सेगमेंट ऑफ सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन सेंट्रल एंगल ऑफ 60, 90 एंड 120 डिग्री ऑनली। ठीक है, ऐसे ही सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हो सकते हैं, तो सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फेयर्स, हेमिस्फेयर्स एंड राइट सर्कुलर ट्राइंगल्स, कोन्स, इस तरह से कुछ हो सकते हैं। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स प्रॉब्लम्स, तो उसमें कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में देख लेते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में मेन मीडियन मोड जो आपकी नाइन्थ में करके आया है, आपको यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा एग्जैक्टली जो टाइप का टर्म है थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, ग्रुप मेथड आ जाएगा थोड़ा सा ग्रुप डेटा वाला, और कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं तो आपने थोड़ा सा नाइन्थ में ही पढ़ा। बाकी अगर आपको मेन मीडियम मोड तो अगर आप नाइन्थ में अच्छे से पढ़ के आए तो आपको आता ही होगा, बाकी प्रोबेबिलिटी भी आपका वही नाइन्थ वाला सिस्टम है। तो जब आपने नाइन्थ अच्छे से पढ़ी हुई होती है तो टेंथ में तो बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर लेते हैं और आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यही था बस, और नाइन्थ एंड टेंथ के सिलेबस में जो मैथ्स का था वो यही था गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में, एल्डर्स, यंगर्स, अगर आपके स्टूडेंट्स हैं कुछ भी, तो उसमें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अवेयर रहेंगे इसके बारे में। CBSE ने कल ही ये रिवाइज़ किया है सिलेबस, और आज हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल गई है, और जो आपका ये सिलेबस है सारे जो कि आपके मैथ्स के सिलेबस है, इनकी वीडियो भी जल्दी जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगी। तो आप बिल्कुल अपने कोर्स की टेंशन मत लीजिए, कोर्स कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर बने रहना है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और आप बेफिक्र हो जाइए अपने सिलेबस से। ओके गाइस, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @midpointclasses, एंड फेसबुक पेज भी हमारा लाइक कर सकते हैं @midpointclasses। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।